हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज आम तुम डेवलपमेंटल बायोलॉजी रो सेकंड क्लास स्टार्ट करिया। पहले तुम व्यस्त होनी, मुझे टू डेज भितर तुम सिलेबस कंप्लीट करने ट्राए करी। तो आज आम डिस्कशन करेंगे पैटर्न फॉर्मेशन। तो व्हाट इज पैटर्न फॉर्मेशन? ना पैटर्न फॉर्मेशन इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स एक्वायर डिफरेंट आइडेंटिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव स्पेशियल पोजिशन विदिन द एम्ब्रियो। कौन पैटर्न फॉर्मेशन तो बुझी पार कौन ना डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स एक्वायर डिफरेंट आइडेंटिटी। मैंने ये आ भितर कौन तुम डेवलपमेंटल प्रोसेस मैंने कौन जो एम्ब्रियो भितर तो सेल तर कौन एक्यूरेट डिफरेंट आइडेंटिटीज को कौन कर डिपेंड कर डिपेंडिंग रिलेटिव स्पेशियल पोजिशन को डिपेंड करते हैं तुम एम्ब्रियो भितर। द पैटर्न फॉर्मेशन एनश्योर्स दैट टिश्यूज ऑर्गन डेवलप इन द करेक्ट प्लेस इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विदिन द बॉडी। तो बॉडी भितर से कौन हो तुम सेल्स तुम सेल्स कौन हुए तो ग्रुप ऑफ सेल्स तुम टिश्यू कही टिश्यू देन कौन हुए टिश्यू ऑर्गन्स डेवलप हुए टिश्यू ऑर्गन देन ऑर्गेनिज्म बाय द बॉडी। द मेकानिज्म ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन एनश्योर्स दैट द पर्टिकुलर सेल टाइप्स डिफरेंशिएट इन द करेक्ट लोकेशन विदिन द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भितर कौन हो तुम जो पैटर्न फॉर्मेशन था गोटे करेक्ट लोकेशन रे प्रेजेंट था। एट द सेम टाइम इट एनश्योर्स दैट द लेयर्स ऑफ सेल्स पेन एंड ग्रो इन द करेक्ट एंड रिलेटिव पोजिशंस। तो जो लेयर ऑफ सेल्स जो कौन धीरे धीरे जो डेवलप हम से गोटे कौन तार करेक्ट रिलेटिवली पोजिशन हिं से डेवलप हो चलता है। हेन्स पैटर्न फॉर्मेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए पेप्टिडेबल ट्रांजमेंट ऑफ सेल्स टाइप्स एंड स्पेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तुम तो पहले पढ़ी जो कौन हम ना स्पर्म सहित मिसो कि ओवम ओवम मिसिकना कौन दिए ना जायगोट फॉर्मेशन हुए। तो ये जायगोट्रु धीरे धीरे कौन हुए सेल रण हुए डिवाइड होना कौन हुए तुम जायगोट्रु एम्ब्रियो हुए जान से जो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो भर सब सेल रही तर कौन फंक्शन रोचे से तुम कौन कही ना पैटर्न फॉर्मेशन देखिबा मेकानिज्म ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन। इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी पैटर्न फॉर्मेशन डिस्क्राइब्स मेकानिज्म बाय व्हिच इनिशियली इक्विवेलेंट सेल्स इन ए डेवलपिंग टिश्यू ऑफ एन एम्ब्रियो अज्यूम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस। ना पैटर्न फॉर्मेशन इनवॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड सेल फेट कंट्रोल कहा तो कोऑर्डिनेट होता है ना सेल फेट कंट्रोल सहित ना व्हिच इज जेनेटिकली कंट्रोल ना अनदर प्रोसेस इनवॉल्व्ड इन इट सेलुलर सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर पोजिशन एलॉन्ग ए मॉर्फोजेन ग्रेडियंट। ए थर्ड प्रोसेस इनवॉल्व्ड इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर सिग्नलिंग। सच ए कंसेप्चुअल मॉडल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज द किए करते फ्रेंच फ्लैग मॉडल इन 1960। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल मेकानिज्म देखिए तार बेसिक कंसेप्ट कौन रोज बोले फास्ट रोज तुम पे सेल ऑटोनोमस मेकानिज्म। तो यहाँ सब आम कह मेकानिज्म पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन रो गोटे गोटे मेकानिज्म। तो फास्ट मेकानिज्म जाऊँ तुम सेल ऑटोनोमस मेकानिज्म पे शुण ये पैटर्न फॉर्मेशन भी तुम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसपे। ऑल सेल्स फॉलो सेम सेलुलर बिहेवियर दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस आम कौन जानचे जी आम टू एन रोच क्रोमोजोम नंबर जब आम माइटोसिस होने कौन कहे इक्वेशनल डिविजन। तो सी तार क्रोमोजोम डिवाइड होता के तुम से टू एन टू एन रोचे से सी लिखला ना कौन लिखला ना सेम सेलुलर बिहेवियर रिथ फ्यू एक्सेपसन के एक्सेपसन एक्स आर हेटेरोजिनस व्हिच मीन्स डिफरेंट पार्टस ऑफ द एग कंटेंट डिफरेंट प्रोटीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स। ये कौन है मैंने केतटापन जो एक्सेपसन देखा पीले एग्स आर हेटेरोजिनस मैंने हेटेरोजिनस टाइप रीन्स डिफरेंट पार्टस ऑफ द एग कंटेंट मैंने कौन डिफरेंट प्रोटीन कंटेंट कर जीन प्रोडक्ट्स कंटेंट कर नियरली एंड सेल एक्जिबिट सम काइंड ऑफ इंटरवल पोलारिटी कजिंग जीन प्रोडक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू डिफरेंट पार्टस ऑफ सेल एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इंटू डिफरेंट डॉटर सेल। दिस कैन बी रेफर टुवर्ड्स अ सिमेट्रिक माइटोसिस फाउंड इन इयरली क्लीवेज ऑफ नेमाटोड्स। ये गोटे कहा कौ केस देखा जाए पे नेमाटोड केस्रे मलुस्का केस्रे टिनोफोर्स एंड एनिलिड्स। इन सम केसेस सेल सिग्नलिंग मे अल्सो डिटरमाइन व्हिच डॉटर सेल विल रिसीव व्हिच सेट ऑफ फैक्टर्स। ना डो एंड वॉमन 2001 में ही डिस्क्राइब करते हैं ना इंटरनल टेम्पोरल डायनामिक्स दैट इज
cyclical expression of genes can produce a pattern. Now, when cells divide, if one of the daughter cells stops or rejects in temporal dynamics, then cells can acquire different states depending on the time of their mitosis. तो ये तुम कौन जान लगे सेल ऑटोनोमस मेकानिजम्स ऑटोनोमस कौन निजे निजे केमती से तार पैटर्न फॉर्मेशन करुचे देन नेक्स्ट जीवा पिले सेल ऑटोनोमस देख तार डायग्राम देख पिले फर्स्ट जो सेल ऑटोनोमस रे केमती होची न कौन होची तुम्हारा ना डिविजन ऑफ हेटेरोजिनस एग हेटेरोजिनस रो एग रो डिविजन केमते नसिबो असिमेट्रिक माइटोसिस वन रु वन हम वन रु कब तुम टू रहा टेम्पोरल डायनामिक्स विथ माइटोसिस वन रु टू टू रु थ्री थ्री रु के फोर है यहाँ हूँ इंडक्टिव मेकानिज देन देख सेकेंड आम फास्ट कला कौन सेल ऑटोनोमस मेकानिज मन रख तो यहाँ पिला जे तुम पैटर्न ऑफ सेल रे कौन रोच फास्ट रोचे सेल ऑटोनोमस मेकानिज सेकेंड आसो इंडक्टिव मेकानिज इंडक्टिव मेकानिज के देखा पिले कौन हो तर एटा तर डायग्रामटा देन थर्ड रे अच्छी तुम्हारा मॉर्फोजेनेटिक मेकानिजम्स तर डायग्राम टी रिप्रेजेंटेशन हो कौन सेल ऑटोनोमस मेकानिजम मॉर्फोजेनेटिक मेकानिजम देखिया केमती होउछि देन सेकंड देखिबा मॉर्फोजेनेटिक मेकानिजम फर्स्ट आसला इंडक्टिव मेकानिजम ना इंडक्टिव मेकानिजम मीन्स कौन ना सेल्स कैन affect each other by secreting diffusible molecules by means membrane bound molecules or by chemical coupling through gap junction kon hela cells can affect mane sethire fast re kon hela na jeti mitosis process re se autonomically kenti tara divide houchi but ethi gote kon rouchi na pila tamara na secreting diffusible molecules sa bhitra gote kon secreting molecules kon houchi dikki मैंने सिक्रेट हो बाय मीनस मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स जोटा कि मेम्ब्रेन चारिकट आस लग जाए और बाय केमिकल कपलिंग थ्रू गैप जंक्शन देन केमिकल प्रोडक्शन हो ड्यू टू इंडक्टिव मेकानिजम्स टिश्यू पैटर्न चेंजेस आज ए डायरेक्ट कन्सिक्वेन्स ऑफ चेंजेस इन द सेल स्टेट टिश्यू पैटर्न टा कौन हो चेंजेस मेनी बेसिक इंडक्टिव मेकानिजम्स अपीयर टू बी बेस्ट हाईरिस्क जेनेटिक नेटवर्क्स व्हेयर ए सेल मे सिग्नल अनदर एंड दिस सेकेंड मे रेस्पॉन्ड टू सच अ सिग्नलिंग बाय सेंडिंग ए सिग्नल बैक इंडक्टिव मेकानिजम्स कैन ऑल्सो बेस्ड ऑन इमर्जेंट जेनेटिक नेटवर्क इन व्हिच सेल्स एंड टेरिटोरीज सेंड सिग्नल्स इन ए वे दैट इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग सेल्स रेस्पॉन्सेस टू सच सिग्नल्स न सल्जर सल्जर ए वे दैट अफेक्टेड बाय नेबरिंग सेल्स एंड रिस्पॉन्सेस एग्जांपल्स कौन पिले रहइबो लिम्फ स्केलेटल पैटर्निंग पिगमेंट पैटर्निंग इन विंग्स और बटरफ्लाई फीदर बर्ड ऑफ स्पेसिंग इन एवियन स्किन एंड फिश कलर ऑफ पैटर्न्स बुझिलो पिले इंडक्टिव मेकानिजम को कहा तेरे हो जो एग्जांपल मन रखिलो लिम्फ स्केलेटल पैटर्न पिगमेंट पैटर्निंग इन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई फीदर बर्ड स्पेसिंग इन एवियन स्किन एंड कौन रहा फिश कलर अफ पैटर्नस फिश जो कलर पैटर्नस भी तरह जो कौन रोचा भी हम क्या डिपेंड कर इंडक्टिव मेकानिजम देन देखा मॉर्फोजेनेटिक मेकानिजम्स देन लास्ट आम डायग्राम टेबल देखे जाने प्रीवियस पिक रे देखी थे पहले ए नंबर ऑफ पैटर्निक मेकानिजम्स यूज सेलुलर बिहेवियर्स अदर मॉर्फोजेनिक बुझीपारे कौन एक्सटर्नाली के देखुचे अदर देन सिग्नलिंग ना दिस इज ए मेकानिजम दैट चेंजेस द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ओवर स्पेस विदाउट अफेक्टिंग देयर स्टेट्स ना फास्ट कौन हो डायरेक्ट माइटोसिस देन आसो डिफरेंशियल ग्रोथ देन आसो अपोप्टोसिस देन आसो माइग्रेशन तो डायरेक्ट माइटोसिस रे कौन हो पिले ना इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स कैन अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द माइटोसिस स्पिंडल दिस फॉलोड बाय फर्स्ट पोजिशनिंग इन न्यू सेल्स आर स्पेसिफिक प्लेसेस सेकेंड आसो कौन आ डिफरेंशियल ग्रोथ ना ए चेंज इन पैटर्न कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन सेल्स विथ डिफरेंट स्टेट्स इन ए प्रीवियसली एक्जिस्टिंग पैटर्न डिवाइडेड डिफरेंट रेट्स द रिलेटिव रेट्स एंड डायरेक्शंस ऑफ माइटोसिस एंड अदर एपिजेनेटिक फैक्टर्स लाइक एडेशन बिटवीन सेल्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ सराउंडिंग मैट्रिसेस डिटरमाइन द न्यू पैटर्न द न्यू पैटर्न के आसोच अपोप्टोसिस वन पैटर्न कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर इफ सम ऑफ द सेल्स अंडरगो
apoptosis. Now, apoptosis, what is apoptosis? It's the strictly dependent on cell's lineage and triggered by interaction of abrogation of interaction with surrounding cells. The key got the name Meyer et al. 2000. Some examples apoptosis depict development at not flow tracts and valves of the heart, neural network in brain, and then freeing of the digits during vertebrate limb development. Then it has the apoptosis. Then as you migration and differential adhesion. Then migration the process cells can rearrange their relative position by migration without changing their states. Cell migration can be directionally random but speeded up by chemical signal or have a preferred डायरेक्शन ड्यू टू केमिकल ग्रेडियंट हो केमोटैक्सिक्स आम कहे तो एक्जामपल कौन आसो पे ना प्री मसल सेल्स इनटू द डेवलपिंग वर्टिब्रेट लिम इज रेगुलेटेड बाय बोथ केमोकाइनेटिक एंड केमोटैक्टिक रेस्पोंसेस बाय हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर. देन आसला मैट्रिक्स स्वेलिंग एंड डिपोजिशन एंड लॉस. देन थर्ड आस डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ. तो टाइप्स तुम कौन जान लो पे आमर जो पैटर्न ऑफ कौन था तुम मेकानिज्म थिला. देन आसो डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ. डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ के पे डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस दैट एनेबल्स ए सिंगल सेल जाइगोट टू डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर एडल्ट ऑर्गेनिज्म विथ हंड्रेड्स ऑफ वेरियस टाइप्स सेल्स. कौन है डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस एनेबल्स ए सिंगल सेल जाइगोट जाइगोट आम कौन सिंगल सेल थी बट डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर एडल्ट ऑर्गेनिज्म. कौन हो जाइगोट एम्ब्रियो एम्ब्रियो तुम कौन हो गैस्ट्रा गैस्ट्रा हो तुम गोटे कौन गोटे चाइल्ड हो जाए गोटे एडल्ट ऑर्गेनिज्म से लिखला जो गोटे सिंगल सेलटा जाइगोटा जो सिंगल जाइगोटा को सेल तेज सिंगल सेल वे थे तो सही गोटे वेरियस टाइप्स ऑफ सेल रे कन्वर्ट हो डिफरेंट सेल्स डेवलप डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डिफरेंट सेल्स सेल भी अच्छे डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन करता है डेवलप करता है. ऑल्दो दे हैव द सेम जीनोम ड्यू टू द डिफरेंशिएशन ए सेल ड्रामेटिकली चेंजेस इट्स शेप साइज मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेस्पॉन्सिवनेस टू सिग्नल्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल. द रिजल्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रेजेंस ऑफ सेल टाइप्स एंड क्लियर आइडेंटिटीज इन द प्रोसेस ए लेस स्पेशलाइज सेल बिकम्स ए मोर स्पेशलाइज सेल टाइप्स. देन देखिबो ता भितर कोन कोन रहउछि पिले. देन देखिबा टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ना फर्स्ट टाइप बोले कौन तुम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइप फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइप केमो डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल ऑब्वियसली बुझ पार मॉर्फोलॉजिकल कमी हो ना इट इज द डेवलप्ड इनटू ए डेफिनेट शेप एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल ए डिफरेंशिएटेड नर्व सेल हैज ए लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड एक्जन. मॉर्फोलॉजिकल हो जाए सेलटा केमती हो तार कौन तार पार्ट पर एक्जन पार्ट रही जा. देन आसो सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स आर प्रोवाइडेड विथ सिलिया. मसल सेल्स आर प्रोवाइडेड विथ माइट्रोसिस. बुझीपारे ये ना कौन ना डिफरेंशिएटेड नर्व सेल हाज ए लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड तुम कौन कही था एक्जन कही था. देन सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स प्रोवाइड कौन करता है सिलिया. तो सिलिया आम कौन करे ऑर्गेनिज्म कौन करे जो स्विम करने फ्लो हाँपाई हेल्प करता है. देन आसला फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. Now the early embryonic cells are more or less like as the development of proceeds that cells attain a special ability to do particular function. Now this is called physiological functional and differentiation. The morphology of cells is modified according to its function. For example, long nerve cells are specialized to conduct impulse to long distance. बुझ ये आसा कौन तुम फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन रे कौन जदि गोटे लंग तुम जब कौन जब जान नर्व सेल्स जान यू आम कौन कौ डेंड्राइट कौच तार जो आम रेस्पन्स जाए आम कौन कही था पे क्या थ्रो जहाँ इम्पल्सटा जो जाए कौन लिखला स्पेशलाइज तो कंडक्ट इम्पल्स ये पूरा टोटालटा कौन होता है ना कंडक्ट इम्पल्स कर लंग डिस्टेंस कौन होता है जदि तुम हाथ गोटे मशा कामुड़ी तुम सांगे सांगे तुम ब्रेन पलाऊ ना तो ये कितने लंग प्रोसेस है तो सी सी लिखला नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट इम्पल्स टू लंग डिस्टेंस. डिस्टेंस भी सीटा कमी मुर्भे आम कौन कही था फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. देन आसो तुम
chemo differentiation. It includes the changes in the chemical composition of cells or tissue. हेल बुझीपार्थ ना जाना पड़ो केमो डिफरेनसीएसन के कौन एर ना केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ना केमिकल डिफरेंशिएशन ब्रिंग्स अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. द फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन द दे आर केमिकल चेंजेस इन इनविजिबल एंड आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ जीन्स. केमिकल चेंजेस आर इनविजिबल. केमिकल चेंजेस मैं जो चेंजेस टाइम आम इनविजुअल था एंड आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ जीन्स. जीन थ्रू कंट्रोल होता है. देन फोर्थ आस तुम फास्ट आसला कौन मॉर्फोलॉजिकल देन आसला फिजियोलॉजिकल देन आसला केमिकल डिफरेंशिएशन देन आसला एटा साइटो डिफरेंशिएशन. साइटो मीन्स सेल द प्रोसेस ड्यू टू चेंजेस द सेलुलर कंटेंट्स. तो कौन कौन तो ये प्रोसेस कौन होता है सेलुलर कंटेंट्सटा कौन होता है चेंजेस तो हम देखो मैं सेल्स स्पेशलाइज टू अंडर को चेंजेस इन द शेप एंड फंक्शन. फैक्टर इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन एंड इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस एंड डिटरमिनेशन टिश्यू इंटरेक्शन एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर फैक्टर्स. ये सब फैक्टर्स सब कौन कौन डिफरेंशिएशन फैक्टर्स रोचे ना कॉम्पिटेंस डिटरमिनेशन टिश्यू इंटरेक्शन एंड साइटोप्लाज्मिक फैक्टर एंड न्यूक्लियर फैक्टर. देन देखिबा डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन. सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम रिपीटेड माइटोसिस एंड सून बिगिन डिफरेंट टर्म्स ऑफ देयर जीन एक्सप्रेशन. सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. मल्टीसेलुलर सेल गुड़ा कौन होता है पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बट जेनेटिकली से कौन थे आइडेंटिकल था. दे डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन. द फेट ऑफ एन अर्ली सेल्स इज द टाइप ऑफ सेल विल अल्टीमेटली बिकम एंड इट इज फंक्शंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस. ना ये जाइगोट इज टॉटिपोटेंट. इट कैन गिव राइज टू एवरी सेल टाइप इन द एडल्ट बॉडी. लेटर इन डेवलपमेंट द सेल्स लॉस टॉटिपोटेंसी. जितने कौन होता है डेवलप हो जाए सीतारे कौन करते लॉस टॉटिपोटेंसीटा लॉस करते ना बिकम डिटरमाइंड. डिटर्मिनेशन इज फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन. नो जेनेटिक इनफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज द सेल पासेस थ्रू डेवलपमेंटल स्टेज कॉल्ड कॉन्जिनोमिक इक्विवेलेंट. द साइटोप्लाज्मिक एनवायरमेंट कैन मॉडिफाई द सेल फेट. इन नॉर्मल डेवलपमेंट ए कॉम्प्लेक्स सीरीज इज टाइम सिग्नल्स रिजल्ट्स इन पैटर्न्स ऑफ डिफरेंशिएशन दैट रिजल्ट्स इन द मैच्योर ऑर्गेनिज्म. इन मामा स्टेम सेल्स अकर इन टिश्यूज दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट सच एज स्किन ब्लड एंड इंटेस्टिनल लाइनिंग. स्टेम सेल्स प्रोड्यूस्ड डॉटर सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू सेवरल सेल्स टाइप नॉट टॉटिपोटेंट बट प्लुरिपोटेंट. डिफरेंशिएशन ऑफ प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स अकर्स एज ए नीड. किसी दरकार नहीं पिले. देन देखिए रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्शन फॉर डिफरेंशिएशन कौन रोचे जीन एक्शन रे. ना इन यूकेरियोट्स द फंक्शन ऑफ जीन्स कैन बी रेगुलेटेड एनीवेयर बिटवीन जीन रेप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन कौन होता है पिलाए. ना फास्ट कौन हम ना जीन रेप्लिकेशन हम होना कौन हम तुम डीएनए मॉलिक्यूल द्वारा डीएनए रु कौन होते मैंने आरएनए फॉर्म होते डीएनए रु आरएनए हवा फॉर्म प्रोसेसटा को आम कौन कही था ट्रांसक्रिप्शन कही था. देन आरएनए रु प्रोटीन हवा प्रोसेसटा को आम कौन कही था ट्रांसलेशन कही था. ना कंट्रोल आर्ट ए जीनोम लेवल फास्ट हूँ कंट्रोल आर्ट ए जीनोम. डीएनए मे बी मॉडिफाइड बाय अल्कलाइजेशन और मिथाइलाइजेशन विदाउट डीएनए एक्टिविटी इज स्टॉप्ड. ना इनक्रीज एंड डिक्रीज इन डीएनए क्वांटिटी कंट्रोल्स डिफरेंशिएशन. देन सेकेंड आस ना कंट्रोल आर्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए हाज फ्री फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप्स. तुम जान पे तो बैकबोन अफ तार बैकबोन को आम कौन कही था ना फॉस्फेट कही था पे एसिड डीएनए मॉलिक्यूल ग्रुप्स ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड दिस कैन एस्टाब्लिश फ्रीम बॉन्ड्स विथ एनएच ग्रुप्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन चेन. दिस इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रिवेंट द डीएनए फ्रॉम इंटरेक्शन एंड डिमिनिश डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी थस हिस्टोन्स सर्व एज रिप्रेसर. देन आसो फॉस्फोप्रोटीन्स ना विथ ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन रिमेन
इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ द डीएनए फॉर्मिंग हिस्टोन फ्रिंग कॉम्प्लेक्स। ये द्वारा हम कौन कर पेरन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन लेवल। फर्स्ट होचे कंट्रोल जीनोम लेवल करिबा देन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन लेवल। देन आसो कंट्रोल ट्रांसलेशन लेवल। देन आसो ना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मेसेज कैरियड बाय एमआरएनए has to be decoded and required amino acids are to be picked up to form various proteins enzymes and hormones। amar kon kariba tumhe pila janicho je dna ru dna process ta ku ame replication kouche dna ru rna process jodi dna ru rna kariba to rna process ta ku ame kon kouche transcription rna ru protein synthesis ku ame kouche kon translation then translation karikina ame kon paiba protein paiba then protein ru ame kon paiba enzyme ru ame kon paiba हार्मोन्स सब पाइबा से लिखला ना हार्मोन्स आर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन एट ट्रांसलेशन स्टेप दे फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ पर्टिकुलर एमआरएनएस आउट ऑफ द न्यूक्लियस स्टेबलाइज देयर लाइफ स्पैन इन ओप्लाज्म इनक्रीज फ्रिक्वेन्सी एंड देयर एसोसिएशन विथ राइबोसोम्स एंड बिकम ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन एंड डेविड डेविडसन एस्ट्रोजन हार्मोन अफेक्ट्स यूटेराइन वॉल फॉर कौन इंक्रीजिंग टोटल सेल प्रोटीन्स ना ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू सेल इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस फॉर पॉलीराइबोसोम यूनिट ना सिंथेसिस ऑफ न्यू राइबोज पर सेल न्यूक्लियर मास एंड नॉट पर एक्टिविटी ऑफ टू आरएनए पॉलीमरेज़ सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड्स अल्टरनेशन इन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इज द की फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। देखिए डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन भी कौन उत्तम की फैक्टर थी फैक्टर थ्रू भी आम कहते एम्ब्रियोनिक सेल आम दरकार पड़ता है ना कौन कौन सब फैक्टर्स रहा कंट्रोल में फास्ट कौन रहा तुम पिले ना कंट्रोल आट जीनोम लेवल केमती कंट्रोल हम रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशियल जीन आसाना डिफरेंशिएशन देन सेकंड आसला कंट्रोल आट ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल आट ट्रांसलेशन लेवल देन देखिबा साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स एंड एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स कौन पिले ना साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स आर सब्सटेंसेस इन द एग साइटोप्लाज्म दैट अफेक्ट द कोर्स ऑफ इयरली डेवलपमेंट इयरली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ना दिस आर द प्रोटीन्स एंड एमआरएनए वेरियस अदर सब्सटेंसेस दैट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एग ना दिस मटेरियल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग एंड देन फर्टिलाइज टू द बिकम जाइगोट द जाइगोट डिवाइड्स इनटू ब्लास्टोमियर्स। सेटा हूँ तुम कौन पैरेंटल सेल पिले देन तक भितर कौन होगा न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ आम कौन कह न्यूक्लियर डिवीजन हो सर सैटाजन आसला साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना ये गोटे न्यू सेल होगा ये गोटे न्यू सेल होगा तक आम कौन कहे डॉटर सेल चाहिए से बुझे केमती हूँ साइटोप्लाज्म कौन आसला ना ए सिमेट्रिक साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स आज वेल आज प्लास्टोमियर्स अनफर्टिलाइज एग्स कमी प्लास्टोमियर्स रोज देख फास्ट हूँ आसीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ ए साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट भितर सेल डिवीजन है टू डी टू डॉटर सेल से डिवाइड है देन आसला यहाँ हूँ सब तुम कौन साइटोप्लाज्म डिटरमिनेंट्स कमी से डिवाइड होता आसला तुम कौन वेजिटल पोल आसला दिजन गोटे रू के दुटा है टू 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 फोर है टू फोर हो गला दुटा तक ऊपर दुटा कौन रोज तुम एमटी रोचे देन आसला डिफरेन्ट डॉटर सेल्स तो आस कौन है तुम देन आसला बी आसा देन आसला तुम स्पर्म आसला स्पर्म आस कौन है तुम टू डिफरेन्ट साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट टू थ्री साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट कौन है एकाठी है अनफर्टिलाइज एक्स सेल आम कौचे देन तार न्यूक्लियस आर न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन कौन होगा जाइगोट है देन माइटोटिक सेल डिवीजन होना टू सेल एम्ब्रियोने कन्वर्ट है आम कौन कहे आसीमेट्रिक साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन आसीमेट्रिक सेल डिवीजन रिपोर्ट टू द आसीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स इन द जाइगोट व्हेन जाइगोट डिवाइड्स इन डिटरमिनेंट्स आर नॉट सेग्रीगेटेड इक्वल इनटू द ब्लास्टोमियर्स ना सब्सिक्वेंट डिवीजन्स टू द ब्लास्टोमियर्स ऑल्सो बिकम आसीमेट्रिकल ड्यू टू फर्दर आसीमेट्रिक सेग्रीगेशन
दैट इज हाउ ऑल ब्लास्टोमियर्स आर द एंड ऑफ द क्लीवेज एंड एसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन केमती रोज बिले तुम फास्ट यूनिट तुम पिले कवर है तो फास्ट यूनिट आम देखा तार सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन पिले रोचे ना डिस्कस वेरियस थियोरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बुझे तुम फास्ट क्लास रे देन सेकेंड आसला डिस्कस मोजाइक एंड रेगुलेटिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी से तुम थियोरी भितर देन आस थर्ड एंड ब्रीफली कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल वोल्फ वन मार हास ड्राइव हाकेल कौन कले चाइल्ड स्पीमान एंड पिशमान एटा जो इम्पोर्टेंट नुए तो देन आसला डिस्कस द बेसिक स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंटल मेकानिजम जो तार डेवलपमेंटल मेकानिजम के तरह चार पाँच जो बुझेली देन आसा राइट एंड एस एंड डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के जीन एक्सप्रेशन डिफरेंशियल रोज एस लिखा ता भितर कि रेप्लिकेशन रोचे ट्रांसलेशन रोचे केमती सीटा हूँ तार कौन जीन एक्सप्रेशन देन सर्ट नोट्स सब तुम पे अच्छी थियोरी ऑफ परफॉर्मेशन थियोरी ऑफ एपिजेनेसिस बियर्स लॉ बायोजेनेटिक लॉ रिकैप्सुलेशन थियोरी जंप थियोरी मोजेक डेवलपमेंट सब अच्छे मुझे जितेक दुटा भिड तुमको बनैली तुम यूनिट वन सारे से दुटा जो यूनिट वन तुम सब ये सब जिनस अच्छे पे ग्रेडियंट थियोरी अच्छी मेटाबॉलिक एक्चुअल ग्रेडियंट थियोरी सेल सेल इंट्रैक्शन डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ साइटोप्लाज्म डिटरमिनेंट्स कौन एसिमेट्रिक सेल डिवीजन कौन पे थैंक यू।